कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी कोई बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। दिल से बात करना और दिल रखने के लिए बात करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब कुछ समझ ना आए तो अकेले में शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे पेंसिल लेकर पेन शायद इसीलिए दिया जाता है कि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं। क्रोध में थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। आजकल कहाँ ज़रूरत है हाथ में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो ज़ुबान से ही रिश्ते तोड़ देते हैं। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, और जब कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। अच्छे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। आप इतने खुश रहो कि जब लोग आपको देखें तो वो भी खुश हो जाएं। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप नहीं बदलता, ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे रास्ते की रुकावटों का पता चलता है और संभालने वाले हाथ किसके हैं इसका भी पता चलता है। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, लेकिन ऐसे बिखरे ज़िंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। कभी भी अपनी ताकत और दौलत का घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में वक्त नहीं लगता। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात होते हैं बुरे, इंसान नहीं। ज़िंदगी में जो इंसान आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। आजकल कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करते हैं, कदर तो उनकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।